सभी को ब्लूप्रिंट मिल चुका है संस्कृत का, और ये संस्कृत का ब्लूप्रिंट है आपके सामने। संस्कृत की कक्षा 8 का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 60 मार्क्स का आएगा आपको एग्ज़ाम। आपको इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये जो ब्लूप्रिंट है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो बुक है रुचिरा, उसमें ये वाले क्वेश्चन हैं कहाँ पर जिनके बारे में ब्लूप्रिंट में बात की हुई है। तो मैं आपको ब्लूप्रिंट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये वाक्य प्रयोग है, हमारी पुस्तक में वाक्य प्रयोग कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कितने जगह पर हमें वाक्य प्रयोग है हमारी बुक में, जो क्वेश्चन है वहाँ से आएगा वाक्य प्रयोग, जैसे हर साल आता है तो हम वहाँ से वाक्य प्रयोग देखेंगे, उनका आंसर भी वहाँ लिखा रहेगा, तो वहाँ से हमें एकदम पूरा ब्लूप्रिंट जो है एक ही जगह पे मिल जाएगा। फिर आप उसको बुक से भी मिला सकते हैं, तो इससे आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार होने वाली है। अगर आप 60 से 60 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है बहुत ख़ास है आपके लिए, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, और देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है अपठिता बोधनम। कौन सा है? अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में क्या करना होता है? अपठित अवबोधनम में आपको एक पैसेज आएगा। देखिए कितने मार्क्स का आ रहा है, 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का एक पैसेज आ रहा है जिसमें वन वर्ड के आंसर आएंगे आपको 2, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और फुल सेंटेंस वाले आंसर आपको लिखने के लिए आएंगे 2, ये 4 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद यथा निर्देशम वाला एक प्रश्न आएगा, ये आपके 2 आएंगे और एक एक मार्क्स के रहेंगे, और आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 2, तो कुल मिलेंगे 8। अब बात करते हैं हमारे बुक से रचनात्मकम लेखनम का। तो इसमें पहला प्रश्न है वाक्य प्रयोगम, ये 4 मार्क्स का आएगा। तो चलिए देखते हैं वाक्य प्रयोगम हमारी पुस्तक में कहाँ पर है। हम चले जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो है क्लास 8 की जो संस्कृत है उसका चैप्टर नंबर 3 है, जो हमारे सिलेबस में है इस बार। कौन सा? डिजिवारतम। तो डिजिवारतम में ये वाला जो प्रश्न है, देखिए लिखा है यहाँ पर कि उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुता, ठीक है। ऊपर आई बटन में, जो ऊपर में आई बटन आता रहता है ना, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर की प्रश्न पत्र जो सेशन एंडिंग के हैं और संस्कृत की जो क्लास 8 के, मैंने ना एक कैप्सूल बनाया हुआ है, कैप्सूल जिसमें आपके सेशन एंडिंग से आने वाले सारे क्वेश्चंस की वीडियो एक जगह पर है, जैसे समानार्थक सारे एक जगह होंगे, विलोम शब्द देख सकते, तो आई वाले बटन को भी क्लिक करके जा सकते हैं, या वीडियो के एंड में आपको दिखेंगी कुछ वीडियोस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उनको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाक्य निर्माण के लिए आ रखा है, देखिए जैसे जिज्ञासा के ऊपर उन्होंने ना वाक्य बनाया हुआ है, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिज्ञासा जो है उन्होंने प्रयोग किया हुआ वाक्य के अंदर, वैसे ही हमें आवश्यकता का प्रयोग करना है। जैसे लिखा है माम पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, इसका मतलब है मुझको पुस्तक की आवश्यकता है, मुझको पुस्तक की आवश्यकता है। तो ये हो भी सकता है ये वाक्य, है ना। बाकी आपने क्या लिखा है बुक में, विद्यालय में लिखा होगा, तो वो वाक्य भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उस तरह से दूसरा वाक्य है यहाँ पर सामग्री, तो इसका वाक्य है मम पार्श्वे पठनस्य सामग्री अस्ति, मेरे पास में पढ़ने की सामग्री है। बहुत आसान है ये वाक्य, तो इस वाक्य को आप बनाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पार्श्वे लिखा हुआ है, पार्श्वे का स्पेलिंग जो है आपको अच्छे से लर्न करना है, मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल से भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ लिखा है पार्श्वे, देखो अगर हम लोग इसी वर्ड को हम लोग पार्श्वे को ऐसे लिख दें, पास वे, है ना, पास वे मतलब पास में,
ऐसे लिखते हैं, तो आप थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि जैसे पार्श से ही पास निकला हुआ है ना, तो ये जो वर्ड है यह है पार्श्वे। पार्श्वे में आपने देखा ऐसे लिखा हुआ रहेगा और रा जो है यहाँ रहेगा, इसका हो गया पार्श्वे, इसका मतलब पास में। सामग्री, मम पार्श्वे पठन से सामग्री अस्ति। हर जगह पे अलग अलग तरीके से वाक्य होते हैं, प्रीवियस ईयर में अलग तरीके से लिखाए गए होंगे, इस साल अलग तरीके से लिखाए गए होंगे। तो उसी तरह से नया शब्द है पर्यावरण सुरक्षा, तो अस्मान् पर्यावरणस्य रक्षा करणीया, इसका मतलब हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ करनी चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं, आसमान पर्यावरण से रक्षा करनी है। तो करनिया, करनिया से आपका बेटर है आप लिखिए करनी, करनियम, क्या लिखिए, करनियम। तो यहाँ करनियम ही लिखा हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग कुछ गलत दिख रहा है, तो आप लोग बच्चों स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, थोड़ा कोशिश करना। जैसे यहाँ विश्राम गृह में माँ हलंत है, तो हलंत ही लिखना है ना। तो अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखा है विश्राम गृह, तो विश्राम गृह सुंदरम अस्ति, इसका मतलब है विश्राम घर क्या होता है, यहाँ पर विश्राम करते हैं, जिसको रेस्ट हाउस कहते हैं। तो लिखा है विश्राम गृह सुंदरम अस्ति, छोटा सा वाक्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे आएगा आपको क्या वाक्य निर्माण करने के लिए। और कोई क्वेश्चन है क्या हमारी बुक में वाक्य निर्माण का, तो हम देखेंगे। यहाँ कुछ और क्वेश्चन भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इधर लिखा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो ये कौन सा, सावित्री बाई फुले है ना हमारा लेसन, तो उसमें ये सारे वाक्य बनाने के लिए आए हुए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने स्वकीयम के ऊपर वाक्य बनाना है, तो यहाँ लिख लिखा है स्वकीयम कार्यम, कार्य में यहाँ माँ जरूर होगा, स्वयमेव करणीयम, अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो सविनोदम, सविनोदम क्रीडान खेलंतु, है ना, सविनोदन मतलब बिना डरे आराम से प्यार से खेलों को खेलो। उसके बाद लिखा है सक्रिय, सक्रिय इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव, जब लड़की होती है तो वो सक्रिय होती है, तो लड़का होगा तो वो होगा सक्रिय, यहाँ तक ही होगा। तो सा पठने सक्रिय अस्ति, वह पढ़ने में एक्टिव है। प्रदेश से हो गया, लिखा असम प्रदेश से बिहू नृत्यम अस्ति, बहुत अच्छा है। मुखरम हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस, कांग्रेस ऐसे कांग्रेस दल से मुखरम विरोधम करोति लिख सकते हैं अंत में, है ना, मुखरम विरोधम करोति, जो हेमंत विश्व शर्मा है कांग्रेस दल का पुरजोर विरोध करता है। उसी तरह से लिखा है सर्वथा, असत्यम सर्वथा अनुचितम भवति, असत्य हमेशा अनुचित होता है। तो ये हो गया। अब है इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी यही लिखा है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, इन शब्दों के ऊपर वाक्य बनाने आपने। जैसे लिखा है उपरि, उपरि व्यजनम अस्ति, इतना लिख देंगे तो भी एक वाक्य आपका। आदानम होता है किसी से कोई चीज़ लेना, और प्रदानम होता है किसी को कोई चीज़ देना। तो आप इसके ऊपर इस तरह से छोटा सा वाक्य बना सकते हैं, विद्यायाः आदानम्, विद्यायाः आदानम् करणीयम्, इसका मतलब है विद्या को लेना चाहिए, है ना। उसी तरह से परकीयम, तो आप इसके ऊपर भी वाक्य बना सकते हैं। परकीयम का होता है दूसरे का, परकीयम क्या हो गया दूसरे, स्वकीयम होता है अपना, जैसे लिखा है स्वकीयम कार्यम स्वयमेव करणीयम, ठीक है। तो आप इसके अपोजिट भी वाक्य बना सकते हैं, परकीयम कार्यम दूसरे का कार्य, दूसरे का कार्य, दूसरे का कार्य ना करणीयम लिख सकते हैं आप, परकीयम कार्यम ना करणीयम, दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए, करणीयम का मतलब होता है करना चाहिए, है ना। ये हो गया।
विषमता, विषमता होता है किसी चीज़ की कमी, तो आप यहाँ रक्त की कमी लिख सकते हैं, रक्त होता है ब्लड, रक्तस्य विषमता, रक्तस्य विषमता। रक्त की कमी जो है सम्यक नहीं होती है, न भवती, ठीक नहीं होती है, रक्त की कमी ठीक नहीं होती है, मतलब रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए, रक्तस्य विषमता सम्यक न भवती, इस तरह से लिख सकते हैं। आप व्यक्तिगतम, व्यक्तिगतम इंडिविजुअल, इसको कहेंगे देशभक्ति व्यक्तिगतम, अभी इसने लिखा हुआ देशभक्ति व्यक्तिगत भी होनी चाहिए, लिख सकते हैं भवेत, है ना, देशभक्ति व्यक्तिगत भी होनी चाहिए। उस तरह से लिखा है आरोहा, आरोहा मतलब त्रिवर्ण ध्वजा सदैव आरोहा भवेत, इसके आरोहा का मतलब होता है चढ़ना ऊपर, है ना, तो इसका लिखा है त्रिवर्ण ध्वज हमेशा ही चढ़ा रहे, है ना, तो ये भी ठीक ही है, त्रिवर्ण ध्वजा सदैव आरोहा भवेत। तो इस तरह से ये हो गए हमारे वाक्य, कितने हो गए कुल मिला के, आप देखेंगे 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 वाक्य हो गए जो हमें सावित्री बाई फुले में ही देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन 12 वाक्यों को अच्छे से लर्न कर लें, ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, अब कुछ और वाक्य भी हैं, जैसे ये है एक क्वेश्चन है, इसमें भी वाक्य आएंगे आपको। देखो मैं आपको सारे वाक्य बता रहा हूँ ना, तो ये वाक्य जो है बहुत सुंदर वाक्य हैं। देखो लिखा सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है आजकल, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं सांप्रतम, क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, ऐसा लग रहा है सांप्रतम आजकल विज्ञान का युग है, विज्ञानस्य युगम अस्ति, आजकल विज्ञान का युग है, तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। निकषा का मतलब होता है निकट या समीप, मम मेरे निकट है अस्थि, यहाँ तक मेरे निकट है, तो यहाँ पहले कुछ लगा लो, यहाँ जैसे आप गंगा लिख सकते हो, गंगा मम निकषास्ति, गंगा मेरे निकट है। परिता, परिता का अर्थ होता है चारों तरफ, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं विद्यालय के चारों तरफ, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, ऐसे लिख सकते हैं। उपविष्टा, उपविष्टा मतलब बैठ गया, है ना, सः कक्षायां, वह कक्षा में उपविष्टः, उप उपविष्टः, वह कक्षा में बैठ गया, तो इस तरह से आप। कर्मभूमि, कर्मभूमि मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो जहाँ आप रहते हो वहाँ उस जगह का नाम लिख दो और सामने लिख दो मम कर्मभूमि, ठीक है, बस ये लिखना है। मान लो आप ईटानगर में रह रहे हैं, तो आप लिख देंगे ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर को नगरम करना पड़ेगा, ईटानगरम मम कर्म भूमि, विसर्ग लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद है वैज्ञानिका, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं वैज्ञानिका, जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि ये एक वचन है, तो वैज्ञानिका, वैज्ञानिका विद्वान, विद्वान भवती, वैज्ञानिक जो है विद्वान होता है या होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिका विद्वान भवती। इस तरह से आपके लिए मैंने यहाँ जो वाक्य बनाए हैं बिल्कुल सरल सरल वाक्य बनाए हैं, इससे पहले आपने जो कॉपी किताब पे कर रखे हैं वो आपने किए होंगे, वो भी इजी ही हैं, उसको आपने लर्न भी कर रखा होगा। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, अगर है तो हमारे बुक में क्या और है, कुछ
अब देखिए वाक्य बनाने के लिए आपको इस तरह से भी है आपके बुक में, लेकिन ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा आपको, जिसमें आपने चित्र देख करके संस्कृत भाषा में पांच वाक्य जो है वो बनाने हैं, प्रकृति का वर्णन करना है। अब यहाँ अगर हम पिक्चर देखते हैं तो ये वाली पिक्चर है हमारे सिलेबस में। अब देखते हैं थोड़ा सा ब्लू प्रिंट की, क्या पिक्चर वाला भी क्वेश्चन है। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर ये तो है वाक्य निर्माणम। तो रचनात्मक लेखन में दूसरा वाला जो प्रश्न आ रहा होगा 4 मार्क्स का, वो है चित्र वर्णनम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चित्र का वर्णन करना है। तो चित्र देखते हैं, तो ये रहा एक चित्र जो है ना हमारे पाठ में ही है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ हिरण, एक हिरण है वो बैठा हुआ है, यहाँ कुछ पक्षी हैं जो पेड़ के ऊपर हैं, यहाँ आप देख रहे हैं एक मोर भी है, और यहाँ एक क्या है व्याघ्र भी है, व्याघ्र किसको कहते हैं, चीता भी है, पक्षी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, और ये हरे भरे वृक्ष हैं, और ये जंगल का दृश्य है। तो आप सबसे पहले पिक्चर को देख लिया आपने, आप अब इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे। हिंदी में वाक्य बनाने के बाद उसकी संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एतत, ये जंगल का चित्र है, तो जंगल को वन कहते हैं ना, तो वनस्य, एतद वनस्य चित्रम अस्ति, ये जंगल का चित्र है। इस चित्र में, इस अस्मिन चित्रे, इसका मतलब है इस चित्र में, अस्मिन अस्मिन देखिए कैसे लिखा हुआ ना हलंत, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में वन्य वन्य जीवाः सन्ति, वन्य जीव होते हैं जंगली जानवर, इस चित्र में जंगली जानवर हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप, अत्र सर्वत्र, यहाँ सभी जगह वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति, यहाँ सभी जगह वृक्षाः सन्ति, यहाँ सभी जगह क्या हैं, वृक्ष हैं। तो आप उसके बाद लिख सकते हैं, वृक्षेषु वृक्षेषु खगाः सन्ति, इसका मतलब है पेड़ों पर क्या है, पेड़ों पर पक्षी हैं बहुत सारे, वृक्षेषु खगाः सन्ति। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अत्र मयूरः, यहाँ मोर भी है, मयूरः अपि अस्ति, यहाँ मोर भी है, तो इस तरह से लिखना है, अत्र मयूरः अपि अस्ति, मयूरः लिख दिया मैंने, तो मयूरः नहीं लिखना है दोस्तों आपको, आपको मयूरः की जगह पर क्या लिखना है, मयूरः, आ की मात्रा नहीं लिखनी है। तो ये क्या हो गया, मयूरः। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पांच वाक्य आपने इस तरह से लिख देने, पिक्चर होगी, पिक्चर के नीचे इस तरह से पांच वाक्य लिख देने। क्या कुछ और पिक्चर भी हैं उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल हैं, ये पिक्चर भी बहुत शानदार हैं, जिनमें आपको चित्र देख करके क्या करना है, वाक्य बनाने पांच। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ दिवाली का चित्र है, आपने जो भी वाक्य बना रखे हैं अपनी पुस्तक में उसकी तैयारी करें, अन्यथा आप इनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, एतत् दीपा, या दिवाली लिख सकते हैं, एतत् दिवाली पर्वस्य चित्रमस्ति, इस तरह से लिखिए, है ना, ये दिवाली पर्व का चित्र है। अत्र यहाँ दीपकाः सन्ति, यहाँ दीपक हैं, दीपक तो दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे माँ और पुत्री दिखाई दे रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं, माता पुत्री च स्तः, इस चित्र में माता और पुत्री हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिख सकते हैं, इदम, इदम का मतलब भी ये होता है, इदम एकम गृहस्य चित्रम,
ये एक घर का चित्र है, ठीक है, अस्थि, ठीक। और उसके बाद लिखेंगे अत्र, यहाँ पर क्या है और क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आप पीछे घर देख सकते हैं, तो आप घर को देख के लिख सकते हैं गृहम सुंदरम दृश्यते, घर सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, गृहम सुंदरम दृश्यते। तो ये 5 वाक्य हो गए आपके लिए। तो इससे भी आप सरल वाक्य जो हैं कक्षा में कर चुके हैं, उनको आप देखिए अच्छे से। अब उसके बाद है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, अब इसको देख करके आपने संस्कृत में 5 वाक्य जो हैं वो लिखने हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर लिखे, आप इसको बस ध्यान रखो कि ये रक्षाबंधन है। ये क्या है? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के ऊपर आपने 5 वाक्य लिखने। तो आप ये जो ऊपर में हमने वाक्य लिखे हैं, यहाँ पर दिवाली की जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो दिवाली लिखा हुआ है, दिवाली की जगह पर आप लिख दिए रक्षाबंधनम। रक्षाबंधनम नहीं लिखना, आपने लिखना है रक्षाबंधन। क्या लिखना है? रक्षा बंधन। तो इस तरह से हो जाएगा, एतद् रक्षाबंधन पर्व से चित्रमस्ति। अत्र यहाँ देखो, यहाँ आपको दीपक दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ दीपक दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप वाक्य बना सकते हैं। आपने क्या करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि यहाँ दीपक एक है, तो दीपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीपका, संति की जगह पे अस्ति हो जाएगा, क्योंकि एक है। तो आपको क्या कर देना है, अत्र दीपका अस्ति, ऐसे कर देना है, ठीक है, ये दूसरा वाक्य बन गया। अब यहाँ पर कौन कौन है, भगिनी, ये भगिनी है, और ये कौन है, भ्राता, तो भगिनी बहन, भ्राता भैया। तो आप क्या करेंगे, ये जो माता पुत्री है, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, भगिनी भ्राता कर देंगे। तो यहाँ पर आपका एक बहुत सरल सा वाक्य एक और बन के आ जाएगा, भगिनी भ्राता च स्तः इदम एकम गृहस्य चित्रम अस्ति, ये वाक्य भी आप लिख सकते हैं। तो गृहम सुंदरम दृश्यते, ये भी लिख सकते हैं। तो आप ये पढ़ेंगे और ये भी आपको आ जाएगा, ठीक है, ये रक्षाबंधन के हो गए 5 वाक्य। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग कुछ और पिक्चर भी देखते हैं। जैसे हम देखते हैं ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर जो है लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये पिक्चर आने के थोड़े कम चांस रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से तो आप इसको और भी आसानी से भर लेंगे। ये भी आपने किया होगा अपनी क्लास में, देखा ले, अस्मिन चित्रे डैश दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, अस्त्राणी, बहुत सारे अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। अस्त्राणी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 3 जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और सामने दृश्यन्ते लिखा है, दिखाई दे रहे हैं, तो बहुवचन की बात हुई है। एतेषाम अस्त्राणां डैश युद्धे भवति प्रयोगः, पहले में हो गया अस्त्राणी, दूसरे में हो गया प्रयोगः, भारता एतादृशानां डैश प्रयोगेन विकसित देशां मन्यते, अस्त्राणां प्रयोगेन, भारत इन देशों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति अपि भवति, ठीक है, यहाँ परमाणु शक्ति भी होती है या है, आधुनिके ही अस्त्रे ही सैनिका, और छठे में आ जाएगा उपग्रह नाम, ये आपने क्लास में पढ़ा, इसलिए मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ इसको। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद वाली पिक्चर में, ये भी एक पिक्चर है, सुंदर पिक्चर है, ये भी एग्ज़ाम में हमें आने की संभावना हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लिखा है अस्मिन चित्रे एका डैश भवति, तो क्योंकि लिखा है पाठात, पाठ से चुन के लिखना है, तो पाठ तो आपको वहाँ आया नहीं होगा, लेकिन आपने लर्न अगर कर रखा है इसको, तो आप लिख लेंगे आप, तटिनी, अस्मिन चित्रे एका तटिनी बहती, नदी निस्सरती, नदी जो है वो बह रही है, कहाँ से, पर्वतों से, तो पर्वतों को यहाँ पर कहा गया था भूधर, तो भूधरात लिख सकते हैं, भूधरात निस्सरती। अब कुछ और भी हैं इसमें, वो भी देखते हैं। चलिए, मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताया था आपको, आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। तो अब उसके बाद वाला ब्लूप्रिंट में कौन सा क्वेश्चन है, कथापूर्ति, कौन सा है, कथापूर्ति, ये भी 4 मार्क्स की आएगी। 3 ही क्वेश्चन आएंगे रचनात्मक लेखन में, और तीनों जो हैं
बहुत अच्छे हैं, ये तो एक एक मार्क्स का एक है, ये आधे मार्क्स का है। तो कथा पूर्ति जो है, कोई कथा आएगी आपको, कौन सी कथा आ सकती है, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए पाठ हैं उन्हीं में से आ सकती है। तो हमने देखा कि हमें यहाँ से एक कथा जो है वो आ सकती है, ठीक है। कारक्षति कारक्षित नहीं, वो नहीं है, कंटके नहीं, वो कंटकम में कथा है, वहाँ आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो आपको वहाँ पर क्या दिख जाएगी, एक कथा दिख जाएगी, ठीक है। ये कथा है, तो यहाँ लिखा है एकस्मिन वने एका वृद्धा व्याघ्र आसीत, यहाँ सर्वांशुर भी लगा रखे हैं, वृद्धा आ गया, ठीक है। एकदा व्याधे न विस्तारिते जाले बद्धा हुआ सब बहु प्रयासम कृतवान, फिर उसके बाद कृतवान आ गया, वृद्धा के बाद क्या आ गया, कृतवान, ये लिखा है कृतवान। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको, इसको लर्न करना है आपने, किंतु जालात मुक्ता ना होवत, अकस्मात, यहाँ क्या है अकस्मात, 3 नंबर पे है अकस्मात। तत्र एका मुष्का समागच्छत् वृद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा को देख करके हो गया 4। सतम अवदता हो भवान जाले बद्धा हम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मोचयितुम क्या हो जाएगा 5। तत्श्रुत्वा व्याघ्रा साट्टहासम, साट्टहासम है ना, ये हो गया 6। अरे त्वम शुद्रा जीवा मम सहायम करिष्यसि, शुद्रा हो गया, यहाँ लिखा है ना शुद्रा, ये नेक्स्ट पेज है आपका शुद्रा, तो ये आ गया आपका 7वां नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यदि तुम मम मोचयिष्यसि तरही, तरही स्वकीयै और कर्तनम, ये आ गया, तरही स्वकीयै और कर्तनम, इस तरह से ये कितने कितनी ब्लैंक्स हैं, 10 ब्लैंक्स हैं, लेकिन आपको आ कितना आ रहा है, 4 मार्क्स का आ रहा है, तो मतलब 2 ब्लैंक्स खुद भरी होंगी उन्होंने और आपको बाकी वाले ब्लैंक खुद भरनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 8 मार्क्स। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और कथा है क्या कोई हमारे सिलेबस में, तो हम अगर देखते हैं तो कोई और कथा नहीं है, तो बढ़ेंगे आगे, चलिए चलते हैं देखते हैं। तो व्याकरणम आ गई, इसके बाद कथा पूर्ति तो हो गई, अब व्याकरणम आ गई, इसमें पहला प्रश्न है संधि विच्छेद, जो हमें 2 मार्क्स का आएगा, तो चलिए देखते हैं संधि विच्छेद कहाँ पर है। तो हम चले जाते हैं बुक में, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ संख्या 1 है, कौन सा पाठ है, फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1, उसमें ही है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। संधि विच्छेद में जैसे ये है माधुर्यमेव, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यमेव। उसी तरह से अल्पम, अल्पम प्लस एव, अल्पमेव। सर्वम प्लस एव, सर्वमेव। उसी तरह से आ गया देवम प्लस एव, देवमेव। तरह से आ गया महात्मा नाम मुक्ति, महात्मा, महात्मा नाम, नाम यहाँ तक जाने दीजिए, फिर उक्ति, महात्मा नाम उक्ति, फिर उसी तरह से क्या आ गया विपदाम, विपदाम प्लस आधा वेव, आधा वेव। इस तरह से हो गया हमारा ये क्या संपूर्ण संधि वाला प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कुछ और भी हैं क्या संधि वाले प्रश्न, तो होने चाहिए। तो हमें एक और प्रश्न ये वाला दिख जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें डीजी वारतम से आ रखा है, यहाँ देखते हैं इसको, लिखा है पदस्यास्य, क्या बन गया इससे पदस्यास्य, ये बिंदी नहीं लगानी है, पदस्यास्य। तालपत्र ऊपरी, इसे क्या बन गया तालपत्र ऊपरी। च अतिष्ठस्य चातिष्ठत, हलंत का ध्यान रखना, करगत प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे। क्रयार्थम क्रयार्थम, इति अनयो इत्यनयो, उपचारार्थम उपचारार्थम। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, ये वाला प्रश्न है। ये वैसे तो ये धातु प्रत्ययों की संधि हो रखी है यहाँ पर, लेकिन है तो संधि, तो इसको भी अब अच्छे से लर्न कर लेना। गंतुम कैसे बना, गम प्लस तुम उनसे, दृष्टुम, तो ये कुछ गलत ही लिख दिया है यहाँ पर, दृष्टुम कैसे बना होगा, दृश, दृश होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, तुमुन, दृश प्लस तुमुन, दृष्टुम। करणीयम कैसे बना, क्री प्लस अनियर प्रत्यय से, क्री प्लस अनियर, करणीयम है ना। उसके बाद पातुम कैसे बना, पा प्लस तुमुन प्रत्यय से बन गया पातुम, ये गलत लिखा है इस बच्चे ने।
और इसी तरह से खादितुम कैसे बना, खाद खाद लिखना पड़ेगा यहाँ पर, खाद प्लस तुम अनुप्रत्यय खादितुम। उसी तरह से कृत्वा कैसे बना, क्री प्लस त्वा प्रत्यय से बन गया कृत्वा। इस तरह से हो गया हमारा ये धातु प्रत्यय वाला प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ देखते हैं और प्रश्न भी होंगे हमारे सामने जैसे ये वाला। तो ये कारक्षति कारक्षिता से है ये वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कैसे बना, ग्रीष्म प्लस ऋतु से, बहिरागत्य बहि प्लस आगत्य, कांचित काम प्लस चित, तद्वनम तत् प्लस वनम, कलम प्लस इत्यादिनी, इत्यादिनी का स्पेलिंग गलत लिख दिया, नी में ये वाला नी आएगा, ठीक है, इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदाह लिखा हुआ है, अयम लिख देना है। तो ये कारक्षति कारक्षिता में से हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल एक और प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आर्यभट्ट से है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लिखा है ग्रंथोयम, तो ये कैसे हो जाएगा, ग्रंथा प्लस आयम से बन जाएगा ग्रंथोयम। उसी तरह से सूर्याचला, सूर्य धन अचला से हो गया सूर्याचला, तथैव तथा धन एव से हो गया तथैव, काल अतिगामिनी हो जाएगा, काल अतिगामिनी, अतिगामिनी, काल अतिगामिनी, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, उपग्रहस्य हो गया प्रथम उपग्रहस्य, ठीक है। ये भी एक संधि वाला प्रश्न था। देखिए कितने शानदार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है आपने इसको अच्छे से करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ब्लूप्रिंट में एक अलग से क्वेश्चन आया आपको, वो है धातु प्रत्ययों को जोड़िए, ठीक है, जो कि हमने जोड़ा पहले। धातु प्रत्यय मतलब जैसे, चलिए फिर से दिखा देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ मत होना, जैसे ये है ना, ये धातु प्रत्यय चल लिखा था, आया हुआ ना, एक ही क्वेश्चन है आपको सिलेबस में, एक ही क्वेश्चन है, देख लो और इसको अच्छे से लर्न कर लो। ये यहाँ गलत लिखे हैं बच्चे ने, आपने बुक में अच्छे से लिखे होंगे या मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के भी बताए, ये वाले, ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, देखो ब्लूप्रिंट में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ब्लूप्रिंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानी, विलोम शब्दों को क्या करो, विलोम शब्दों को या तो मैच करने के लिए आ जाएंगे या लिखने के लिए आ जाएंगे, देखते हैं क्या। मैंने तो बुक में देखा, मुझे दिखे भी कुछ, शायद छूट भी गए मुझसे कुछ, है ना। और विलोम शब्दों के बाद क्या है, समानार्थक शब्द, समानार्थक जो है उनको आप करेंगे, देखते हैं विलोम शब्द और समानार्थक शब्द। तो यहाँ समानार्थक वाला तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने, मैंने ये पहले समानार्थक देख लेते हैं, ठीक है। तो समानार्थक वाला एक क्वेश्चन है, इसमें जैसे आपने शिक्षणे, शिक्षणे के अंत में ने आ रहा, ने वाला इनमें कौन सा शब्द आ रहा है, ये वाला अध्यापने। वैसे पथि, पथि क्या हो जाएगा, मार्गे। हृदय, ठीक है, हृदय के लिए क्या हो जाता है, मनसी, क्या हो जाएगा, मनसी, हृदय के लिए क्या हो जाएगा, मनसी। इच्छा अनुसार हम, इच्छा, इच्छा यहाँ पर दिख रही है हमें, यथेष्टम, यथेष्टम। योगदानम, दानम, दानम, अवधानम। निरंतरम, तरम, अविरतम। तो इस तरह से ये हो गया क्या, समानार्थक। चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी है क्या, ये देखा हमने, तो यहाँ भी लिखा है समानार्थक पदों को चुन करके लिखो। तो यहाँ पर समानार्थक पदों को इस तरह से, पृथ्वी को क्या कहते हैं, क्षितौ, क्या कहते हैं, सुशोभते, भाती हो जाएगा। बुद्धिमताम के लिए हो जाएगा ये विपश्चित जनानाम। मयूरा नाम के लिए हो जाएगा शिखी नाम। और अनेकेशाम के लिए क्या हो जाएगा, बहुना। तो ये हो गया समानार्थक। समानार्थक में आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए, बहुत ईजी हैं। तो और भी है, देखो जैसे लिखा संसारे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपको, आपको अगर लिखने के लिए आ जाता तो आपने खुद लिखना है। तो संसारे के लिए क्या हो जाएगा, जगति, क्या हो जाएगा, जगति। इदानीम के लिए क्या हो जाएगा, अधुना, ठीक है। वसुंधरा के लिए आप सिर्फ अगर धरा भी लिख के आ जाते हैं वो भी सही है, और वसुंधरा को पृथ्वी भी कहते हैं, तो पृथ, पृथ, पृथ्वी, ऐसे लिख सकते, पृथ्वी। समीपम के लिए आप निकषा लिख दें, निकट, है ना। जैसे गणनम, गणना, गणनम का मतलब होता है गिनना, किसी चीज़ को गिनना,
अब गणनम को आप आ गणनम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको नहीं गिना जा सकता, आ गणनम। ठीक, राक्षसों को क्या हो जाएगा, समानार्थक बताना है, सॉरी, गणनम का समानार्थक क्या होगा, गणनम को आप गुणम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से राक्षसों, राक्षसों के लिए क्या हो जाएगा, दानवों, समानार्थक लिखने आपने, मैं वहाँ पर विलोम लिख दिया था इसलिए मैंने गुणम कर दिया, दानवों। आपने अपने पुस्तक में ये पढ़ रखे होंगे तो वहाँ से आप अच्छे से लर्न करें। अब बढ़ते हैं आगे, और है क्या कुछ जिसमें समानार्थक दिखाई दे, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वह विशेषण पदे सा विशेष्य पदानि, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। ये चले गए हम लोग पहले पाठ में जाएंगे, पहले में नहीं, ये है किसमें आपका, डिजी वार्ता में, डिजी वार्ता में आप जाएंगे तो यहाँ एक क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य मेलनम, ठीक है, दिख जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ विशेषण विशेष्य को मिलाना है। तो मौखिकम के लिए क्या होगा, मनोगता के लिए क्या होगा, महान के लिए क्या होगा, उसके बाद भी अट्टंकिता और मुद्राविहीन, तो इनको मैच करना है आपने। मौखिकम तो ये आपने बुक में मैच किया होगा, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप आंसर कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो उनको फिर से एक बार क्लास में जाके सर से कह करके करवा लीजिए। तो जैसे यहाँ विशेष विशेषण वाला एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे यहाँ मिला रखे हैं, अयम प्रदेश संस्कृत विशिष्टायाम भारत भीमो महत्वदायिनी संस्कृति प्राचीन इतिहास से एक प्रदेश, हो गया डन। अब बढ़ते हैं आगे, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, ये कारक क्षति कारक क्षिता से, तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं विशेषण और विशेष्य वाले। तो कांचित शांतिम स्वच्छानि रिहानि पिहते अवकरकंडोले स्वच्छता स्वास्थ्य करी गच्छन्ति मित्राणि अन्यत अवकर महति क्षति। तो अब और देखते हैं कुछ है नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसके बाद क्या है हम देखते हैं, पठितावोधरम में जो आपने पढ़े हुए हैं, एक तो गद्यांश पढ़ा, पद्यांश पढ़ा, नाट्यांश पढ़ा, तीनों में से पैसे जाएंगे और तीनों जो है छः छः मार्क्स के हैं, ये 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है, ठीक है। अब अंतिम जो क्वेश्चन है आपका पठितावोधन है वह घटनाक्रमानुसार लेखनम। अगर हम बात करते हैं घटनाक्रमानुसार लेखनम की, तो एक ही क्वेश्चन है जो हमें दिखाई देता है, वह कारक्षति कारक्षिता में। तो इस घटनाक्रमानुसार वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लो, आने की पूरी संभावना है। लेकिन ये आप अगर आप इस तरह से लर्न करके चले जाएंगे कि एक नंबर पे ये आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, जैसे एक नंबर पे आ रहा है गृह, इस बच्चे ने कुछ इस तरह से लिख दिया, देखो गृह यहाँ से लिख दिया शॉर्ट कि एक नंबर पे गृह वाला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसने कहा है वृक्षा नाम वाला, तो वृक्षा नाम वाला इस साइड नहीं है, दूसरी साइड होगा। तीसरे नंबर पे इसने कह दिया मार्गे वाला, चौथे नंबर पे कौन सा है उपरेति वाला, तो ये मतलब 4 नंबर वाला आ गया। तो आपने क्या करना है, ये नंबर याद करके नहीं चले जाना है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हैं और आपको थोड़े कम आ रहे हैं, या आपको कैसे आ सकते हैं, हो सकता पहले ये लिख रखा हो उसके बाद ये लिख रखा हो, तो उन्होंने कुछ चेंज करके दिया होगा, नहीं तो बच्चे क्या याद करके चले जाते हैं 4 1 2 5 6 7 ऐसे करके याद करके, नहीं वैसे नहीं करना आपको, आपको इसको अच्छे से देख के जाना है और घटनाक्रमानुसार वहाँ जाके लिखना है, ठीक है। ये पूरा घटनाक्रमानुसार है, तो इसके बाद घटनाक्रमानुसार वाला हो गया हमारा, तो घटनाक्रमानुसार वाला ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट में हमने देखा कि हाँ बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, एक ही है घटनाक्रमानुसार। तो ये पाठ्यक्रम में आपने देखा कि पहली जो टर्म था उसमें सुभाषितानी निजीवारतम कंटक नेवकंटकम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, और द्वितीय अवधि में आ रहे हैं 9 से 14 तक के पाठ। तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट, जिसके अकॉर्डिंग आपने पूरा बुक को जो है वो क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। तो इतना ही है, तो और भी जो वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखना, एग्ज़ाम में इस बार आपके 60 में से 60 मार्क्स आने ही चाहिए, पूरी कोशिश कीजिए, ठीक, चलते हैं, मिलेंगे।